नमस्कार। आज के दो कॉल की अगर बात करें, पहली कमोडिटी है कैस्टर। कैस्टर में पिछले दिनों में हमने एक उछाल आने की कोशिश जरूर देखी प्राइजेस में आते हुए, बट 5700 के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। टेक्निकली भी देखें तो फिर से एक हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्राइजेस में आने वाले दिनों में फिर से गिरावट आ सकती है। स्विंग अभी भी ठीक बताई जा रही है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि आउटलुक आने वाले दिनों में गिरावट का ही रहेगा। आज के सेशन के लिए 5640 पे हम बेचेंगे कैस्टर को। 5690 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट 5570 से 5580 का रहे, बट ओवरऑल जिस ढंग से हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, हमें लगता है कि प्राइसेस में लॉन्ग टर्म में फिर से एक गिरावट देखने मिल सकती है, जो करीबन 5300 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं दूसरी कमोडिटी है चना। चने में हमने कंसोलिडेशन प्राइसिंग बनते हुए देखी है, बट जिस ढंग से थोड़ी बहुत हम डिमांड इंप्रूवमेंट आते हुए देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। आज के लिए चने में हम 4280 में बाई करेंगे, 4250 के स्टॉप लॉस से। करीबन 4340 से 4350 तक के लेवल हम चने में देख पाएंगे। धन्यवाद।